हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर तरुण पांडे यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। इस समय टॉपिक चल रहा है मेरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एक्सरसाइज 6.2, और मैं आपसे कहूँगा कि आप पहले मेरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर का वीडियो जरूर वॉच करें, इसके बाद आपको ये समझ में आएगा। आपको मैं बता दूं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर के वीडियो देखने के बाद, एक बार क्लास 11th की सीरीज में मैंने एक फंक्शन जब पढ़ा रहा था तो मैंने साइन स्कीम पढ़ाई है। साइन स्कीम के वीडियो को प्लीज़ वॉच कर लें, क्योंकि साइन स्कीम अगर नहीं समझ में आएगी तो शायद आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो आगे चल के। तो आइए आज चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17, और कह रहा है कि ये शो करना कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो बहुत सिंपल है, आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। एफ डैश एक्स 3x, x का 1 हो जाएगा, 17 का 0। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब प्रूव हो गया कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है fx इज इक्वल टू e की पावर 2x। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, और ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x हो जाएगा, और 2x का द्वारा करेंगे तो 2 हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ई की पावर 2x, x की यहाँ कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ई की पावर 2x हमेशा पॉजिटिव होता है, और 2 का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो ई 2 इंटू ई की पावर 2x इज़ पॉजिटिव। सो एफ डैश एक्स इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थर्ड है, कह रहा है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स एक कर्व है, और कह रहा है प्रूफ करिए कि 0 से 90 के बीच में ये इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, और 90 से पाई के बीच में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बहुत आसान है वैसे तो, इसका डेरिवेटिव करिए एफ डैश एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स आप जानते हैं कि कॉस एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमेशा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमेशा इसकी वैल्यू कॉस एक्स की पॉजिटिव होती है। कॉस एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमेशा पॉजिटिव होती है। आपको मालूम होगा ए एस टी सी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में सभी पॉजिटिव होते हैं कॉस एक्स का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 हुआ, तो 0 से 90 के बीच में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। तो ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और एफ डैश एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर कॉस एक्स नेगेटिव होता है, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 90 टू पाई। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो अब आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x, और कह रहा है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो और किस इंटरवल में अगर है इंक्रीजिंग तो वो बताइए, और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो बताइए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स। तो कितना होगा इसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव हो जाएगा 2x² का 2x और 3x का 3x का 1। तो यहाँ पर आया 4x माइनस 3, इट इज़ एफ डैश एक्स। अब यहाँ पर एक साइन स्कीम बनाइए और क्रिटिकल पॉइंट पहले निकालेंगे। तो 4x माइनस 3 अगर 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका वही हमने कहा साइन स्कीम जरूर पढ़ लीजिए। 4x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 3/4, तो यहाँ पर आया 3/4। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 3/4 से बड़ी है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। आप कैसे, 3/4 से कोई बड़ा एक नंबर रख लीजिए, 3/4 से कोई बड़ा नंबर लीजिए, 3/4 से कोई एक बड़ा नंबर 2 ले लीजिए, 2 को रखेंगे यहाँ पर तो 2 4 8, 8 3 5, मतलब पॉजिटिव क्वान्टिटी मिली। अब मैं इसलिए इसको जल्दी पढ़ा रहा हूँ कि आप साइन स्कीम जरूर पढ़ लें, अगर साइन स्कीम पढ़ के आएंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। 3/4 से बड़ा कोई भी नंबर रख सकते हैं आप, 10 रख लीजिए तो 10 4 40 40 3 37, मतलब इट इज़ पॉजिटिव, मतलब 3/4 से कोई भी नंबर रखेंगे ये पॉजिटिव मिलेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो यहाँ निगेटिव होता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। साइन स्कीम का ये कह सकते हैं खूबसूरती है साइन स्कीम की, और ये कह सकते हैं कि अब ये जो एफ डैश एक्स है वो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और यहाँ पर एफ डैश एक्स मेरा निगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर है, 3/4 ओपन से इन्फिनिट, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है, माइनस इन्फिनिट से 3/4 ओपन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन मेरे सामने और है, वो समझ में आएगा तभी जब आपको साइन स्कीम आती होगी। क्वेश्चन 5 है, इसके बाद मैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगा। क्वेश्चन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x²
माइनस 36x प्लस 7, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 7। और ये कह रहा है कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो हम यहाँ पर एफ डैश एक्स लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3x, 3 2 6 6x स्क्वायर, 3 2 6 6x स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस 36। यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इट इज़ कॉल्ड एफ डैश एक्स। थोड़ा सा फैक्टर कर लीजिए इसका, फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर कि सबट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए। तो बताइए फैक्टर क्या होगा, जल्दी से सोच के 6 का ऐसा फैक्टर करिए कि सबट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6 आ जाए। तो आप सोच पाए होंगे एक फैक्टर आ रहा है 3 और एक आ रहा है 2, तो इसका फैक्टर बनेगा एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2। आप देख लीजिए माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 6 आएगा और माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 1। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फैक्टर, अब ये भी समझाने का समय नहीं है, फैक्टर तो आपको आना चाहिए। इसके बाद साइन स्कीम बनाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से साइन स्कीम समझ में आएगी। अगर साइन स्कीम पढ़ लेंगे तो बहुत मज़ेदार ये कॉन्सेप्ट है। एक्स प्लस 2 को जीरो करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट माइनस 2 आएगा और इसको जीरो करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट 3 आएगा। इसके बाद आपको बता दें अगर वैल्यू 3 से यहाँ पर कोई एक नंबर लेते हैं, एफ डैश एक्स की ये साइन स्कीम है, 3 से कोई बड़ा एक नंबर लेते हैं, 4 लेते हैं, चलिए 4 रख के देखिए, तो 4 माइनस 3 यहाँ पर क्या मिल रहा है पॉजिटिव, 4 प्लस 2 क्या मिल रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आपको हम बता दें आपको कि यहाँ पर 3 से बड़ा कोई भी रियल नंबर ले लें, यू लेट एनी नंबर ग्रेटर देन 3 एंड पुट इन दिस इक्वेशन एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x माइनस 3x प्लस 2। यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ 3, यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 3, रिजल्ट गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पर 3 से बड़ा 4 क्या आप 6 भी रख सकते हैं, तो देखिए 6 माइनस 3 पॉजिटिव, 6 प्लस 2 पॉजिटिव, यानी ऑल ओवर पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव होगा, ये साइन स्कीम की खूबसूरती है, हमेशा नहीं होता, कंडीशन होती है, इसलिए आप उस पर वीडियो को जरूर वॉच कर लें। यहाँ पर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब यहाँ पर आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, बट यहाँ पर जो आपका एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब फंक्शन यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, यानी फंक्शन आपका जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो होगा माइनस इन्फिनिट, ये माइनस इन्फिनिट से माइनस 2 ओपन इंटरवल यूनियन 3 टू इन्फिनिट, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया यहाँ पर माइनस 2 से 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया। तो मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इस तरीके से एनसीईआरटी की ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है, उस पर आप आराम से पढ़िए और कोई दिक्कत हो तो हमको ज़रूर बताइए। और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।